नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यूज स्टडी पॉइंट में। तो चलिए आज की इस वीडियो में जो बिहार बोर्ड का 12th का जो आर्ट्स वाला का एग्जाम हुआ है, जो हिंदी का मैं सोल्यूशन लेकर आया हूं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो लाल रंग का जो सब्सक्राइब दिख रहा है उसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि कोई भी मैं वीडियो लाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन पहुँचे सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन में बोला जा रहा है फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, यानी फणीश्वर रेणु का रचना को इसने किया था, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, मैला आंचल। मैला फणीश्वर नाथ जो रेणु का रचना किया था वो मैला आंचल किया था, सही आंसर ए हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है, इसमें प्रकाशित में इत प्रत्यय है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं तीन नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा में बोला जा रहा है सजन का संधि विच्छेद करें, यानी सजन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सज जोड़ जनन होगा, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड नंबर बोला जा रहा है सजन में कौन सा संधि है, सजन का संधि विच्छेद करें, यानी सजन का संधि विच्छेद करने बोल रहा है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, सत जोड़ जनन। भूषण की कविता है, यानी भूषण की कौन सा कविता था, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, झंकार। पाँच नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पाँच नंबर में बोला जा रहा है चतुर्भुज में कौन सा समास है, तो चतुर्भुज में बहुविग्री समास है, तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। मालिक मोहम्मद जयासी कौन से कवि हैं, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ज्ञान मार्गी। सात नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सात नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है पुत्र के वियोग में माँ ने किसके भाई से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था, तो इसका सही आंसर वह ठंड के भय से नहीं उतारा था, सही आंसर सी हो जाएगा। आठ नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आठ नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मीरा ने अपनी प्रियतम किससे माना था, जो मीरा था वह प्रियतम किससे माना था, तो वह कृष्ण को प्रियतम माना था, ये बुक्स का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नौ नंबर क्वेश्चन की ओर। नौ नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता कौन सी है, तो इसका हो जाएगा पुत्र का वियोग, यानी ए आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नौ दस नंबर तो दस नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दस नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलरे की है की नहीं है, यानी की नहीं है, जो कौन सी चंद्रधर शर्मा की नहीं है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, तिरछी जो है ना इसे गुलधारी शर्मा की नहीं है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बड़कपन में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। बारह नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आस्तिक का विपार्थक शब्द यानी विपरीत शब्द कौन सा होगा, यानी विलोम शब्द, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, नास्तिक। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सिपाही की माँ निम्नलिखित में से कौन है, यानी सिपाही की माँ थी जो निम्नलिखित में से कौन सा, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, किसनी। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन ग्रामर से है, जो बोला जा रहा है इसमें कि राजेंद्र का संधि विच्छेद करें, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, राजा जोड़ इंद्र, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। वह स्थान जहां सेना रहती है वह क्या कहलाती है, तो यह तो सबको जानता है कि छावनी कहलाती है, सही आंसर बी हो जाएगा इसका। बातचीत का निबंध के निबंधकार कौन है, यानी बातचीत का निबंध का निबंधकार कौन है, इसका हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि नाक काटना का मुहावरा का अर्थ क्या होता है, यानी नाक कट जाता है तो इसका मुहावरा का क्या अर्थ होता है, इसका सही अर्थ अपमानित होना, यानी जब नाक कट जाता है तो उसे सही आंसर अपमानित होना, यानी किसी का नाक कटना यानी अपमानित होता है, सही आंसर ए हो जाएगा। जिस 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 जिससे यश प्राप्त किया है उस शब्द को क्या उस शब्द में क्या कहा जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यशस्वी। तो 19 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे, यानी जो भगत सिंह के पिता और चाचा जो सहयोगी करते थे वे चंद्रशेखर आजाद की सहयोगी करते थे, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में बोला जाएगा छात्रों का रहने का स्थान क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर
ए हो जाएगा छात्रवास, जो छात्रों रहता है यानी स्टूडेंट जहाँ रहता है उसको कहा जाता है छात्रवास, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। तो इसी तरह से और मैं 30 क्वेश्चन को सोल्व लाऊंगा, तो इस चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं भी 30 क्वेश्चन लाऊं तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सर।